अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम अकमल सिंधिया और मेरा यूट्यूब चैनल अकमल परफेक्ट विलाग इस टाइम देख रहे हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ बंगले वाले टोबे पे और देखूंगा कि बंगले वाला टोबा ऐसी इसमें क्या ख़ास बात है, इसको बंगले वाला टोबा क्यों कहते हैं, कोई बंगला है क्या चीज़ है। और कुछ दिन पहले भी हम उस टोबे की तरफ जा रहे थे लेकिन रास्ता भटक गए और वहीं रेत में इसे वापस चले गए थे हम। अब वो वीडियो भी उस दिन मैंने यहाँ पर बनाई थी, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको वीडियो का भी नजर आ रहा है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो देख सकते हैं। तो मेरे साथ इसरार भाई और आसिफ भाई ये साथ जा रहे हैं, उन्होंने रास्ता दिखाना है, टोबा दिखाना है और अपने साथियों को उन्होंने खाना भी देना। भी आपको रास्ते के मनाजर भी दिखाते हैं, रोहित चोलिस्तान भी देखिए साथ साथ और टोबा भी देखिए बंगले वाला। जी दोस्तों, ये बंगले वाला मेरे पीछे जो मकान आता है इनको बंगले वाला टोबा कहा जाता है। तो अभी आपको मकान अंदर से दिखाते हैं और साथ साथ अब ये अंदर से भी मकान आप देखिए, इस टोबे को बंगले वाला टोबा कहते हैं। और मैं समझ रहा था कि यहाँ पे किसी ने कोई बंगला बनाया होगा मिट्टी का, या यहाँ पे कोई बंगला हो सकता है, या कुछ हो सकता है, तो मेरे जहन में वो था। लेकिन यहाँ पे कुछ काफ़ी जो जंगलात था, यहाँ पे काफ़ी बड़े दरख्त थे, यहाँ पे वो दरख्त चोरी हो चुके हैं, लेकिन अब ये बता रहे थे कि यहाँ पे काफ़ी बड़े दरख्त थे। लेकिन मैं एक ही वही बात मैं कर रहा था कि मैं समझ रहा था किसी ने यहाँ पे ना कोई मिट्टी का बड़ा बंगला बनाया होगा, क्योंकि हर बंदा यहाँ पे सारा दिन फ्री पड़ा रहता है और उसका दिल कर रहा होगा तो उसने कुछ भी बना सकते हैं। तो ये चीज़ है। और असल में ये जो रोई है ना, इसमें हर किसी ने अपने टोबे के नाम अलग अलग रखे हुए हैं। हमारे टोबे का नाम वसीरा वाला है, कहीं छत्ते वाला, कहीं बंगला वाला, कई नाम रखे हुए हैं। मुझे शुरू में तो ये नाम अच्छे नहीं लगते थे, सुन सुन के ना हंसी आती थी इनके नामों पे, लेकिन अब बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि यार इनके अलावा ना नाम ना आपको ना आते ना, फिर आपका यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा भी नहीं, फिर आप यहाँ पे आपको समझ नहीं आने का आप इस टाइम किस जगह पर मौजूद हैं। हर जगह का नाम, जिस तरह शहरों का नाम है, टोबे के नाम भी वैसे ही है और अच्छी बात है, होने भी चाहिए। यहाँ पे नाम रखा इसी टोबे पे और वापस जा भी रहे। ये देखिए सामने जानवर जा रहे हैं और इस साइड पे पानी पी रहे और सामने हमारी बाइक खड़ी है। जी दोस्तों, आपने बंगले वाले टोबे की वीडियो देखी, इसके मतलब कुछ बात करते हैं कि हम इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाए। सबसे जो इसके पीछे दो बड़ी वजूहत है वो भी बताता हूँ। मैं पहली दफ़ा इस टोबे की तरफ किया था तो रास्ता भटक गए, हमें रास्ता नहीं मालूम था, वापस आ गए। और क्योंकि इसकी मैंने बहुत मशहूरी सुनी थी रोई में, बंगले वाला टोबे। खैर अभी जब हम दोबारा पहुँचे स्टोबे पे तो हम उनके पास गए, उनको बताया कि हम इस मकसद है वीडियो बनानी है इस स्टोबे की। उन्होंने कहा जी मोस्ट वेलकम, बना लें वीडियो। तो वहाँ पे बैठे हुए पता चला कि इनकी फैमिली भी यहीं आई हुई है, क्योंकि जिस मकान में हम बैठे हुए थे वहाँ पे टोटल दो मकान थे, एक वहाँ पे झोपड़ा था, डिज़ाइनदार काफ़ी अच्छा बना हुआ था, मकान भी उनका काफ़ी अच्छा बना हुआ था। तो हम क्या कहते हैं, उन्होंने कहा जी आप बना सकते हैं वीडियो, कोई मसला नहीं। तो फिर मुनासिब नहीं था वहाँ पे जाना उनके मकानात की बाहर से वीडियोज़ बनाना, या उनका जो उनका झोपड़ा वगैरह बना हुआ था तो वो उसकी वीडियो बनाना, दिल कर रहा था वीडियो बनाने लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने उसको वहीं पे स्किप किया और हम जल्दी से हमें वापस आना था अपने टोबे की तरफ। उसके पीछे दूसरी बड़ी वजह ये थी कि मेरे मामू के जो जानवर थे वो गुम हो चुके थे, मतलब उसे वीडियो वाले से दिन से एक दिन पहले के उनके जानवर शाम को टोबे पर नहीं पहुँचे थे। दूसरे दिन सुबह मामू जानवर ढूंढने चले गए आसपास के टोबों पे और जो हम जो है ना बंगले वाले टोबे की तरफ चले गए। उनकी कहल वहाँ पे आई कि जानवर नहीं मिले तो आप लोग जल्दी से वापस आ जाए, हमें मेरे ढूंढने में ना मेरी हेल्प करें। तो हमें फिर जल्दी वापस आना था। जानवर असल में जो तो आबादी की तरफ निकल जाते हैं, वो फिर जाके इसका फसल वगैरह का नुकसान करते हैं, जिसके बायस जो जिनकी फसलें होती हैं वो भारी जुर्माने लेते हैं या जानवर गुम कर देते हैं या बहुत काफ़ी बड़े मसले बन जाते हैं। तो उस वजह से हम जो है ना तेज़ी के साथ हम वापस आए और शुक्र है कि तकरीबन दो घंटे बाद उनके जानवर मिल गए, वो घर की तरफ आ रहे थे वापस। वो आप जानवर भी इस टाइम स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनके 22 जानवर थे जो मिल गए थे, तो उनको तो बहुत इस बात की खुशी हुई।
तो खैर अभी हम एक दफ़ा फिर रोहित चौलिस्तान चलेंगे और वहाँ पे चल के बात बात करेंगे आप लोगों के साथ के व्लॉग क्यों छोड़े थे मैंने, बाकी व्लॉग क्यों बनाने शुरू किए, ऐसे इस तरह की काफ़ी सारी बातें जो रोहित में बैठ के आपके साथ शेयर करके ताकि आपको ना प्रॉपर इस चीज़ की समझ आए। और ऐसे टॉपिक वहाँ पे मौजूद हैं जिनकी मतलब आम जो है ना जब होते सीज़न के दिनों में वीडियो बनाना मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पर उनकी फैमिलीज होते हैं, इन दिनों में वहाँ पर हम अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। खैर आपको रोहित चौलिस्तान के ना इस दफ़ा चप्पा चप्पा दिखाएंगे। वीडियो भी लाइक कीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, तो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।